हाय गाइस, रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री ने कच्चा तीवु द्वीप के बारे में कहा है कि जो कच्चा तीवु द्वीप है इसको कांग्रेस की सरकार के द्वारा श्रीलंका को दे दिया गया था। इस वजह से ये विवाद में आ जाता है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसीलिए हम इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम कच्चा तीवु आइलैंड की बात करें तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ये जो द्वीप है निर्जन द्वीप है, मतलब अनइनहैबिटेटेड द्वीप है। यहाँ पे हार्डली कोई पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। अगर इसकी हम उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति वॉल्केनिक ओरिजिन है, मतलब ज्वालामुखी ओरिजिन है। ये जो द्वीप है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है और ये द्वीप 1974 तक विवादों में रहा भारत और श्रीलंका के बीच में। अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो ये जो द्वीप है दोनों देशों के बीच में स्थित था। इस वजह से दोनों देश के जो फिशरमैन थे, मछुआरे थे, इसके अराउंड फिशिंग करने जाते थे, मछलियां पकड़ने जाते थे और उस द्वीप का भी यूज करते थे। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता के बाद भी ये दोनों देशों के फिशरमैन एक दूसरे के टेरिटरी में जाते थे, मैरिटाइम बाउंड्री, और इस द्वीप के आसपास मछली पकड़ते थे। और इस द्वीप को मछली पकड़ने के दौरान इसका उपयोग किया जाता था, जैसे नेट को जो भी मछली पकड़ने का नेट होता है उसको सुखाने के लिए, या फिर उस पर बोर्डिंग बोर्डिंग मछली जो रखते थे नाव पे उसको रखने उकने के लिए भी इसका उपयोग करते थे। लेकिन ये सब 1974 में चेंज हो गया जब भारत ने श्रीलंका के साथ एक समझौता किया। समझौते के तहत भारत ने इस आइलैंड जो है कच्चा तीवु आइलैंड, इसको श्रीलंका की संप्रभुता को मान्यता दे दी। लेकिन इस एग्रीमेंट में भी था कि भारतीय मछुआरे उसके आसपास जा सकते हैं और फिशिंग कर सकते हैं, मछलियां पकड़ सकते हैं। लेकिन ये जो मछलियां पकड़ने का अधिकार भारतीय मछुआरों को मिला था 1976 में खत्म हो गया, जब दोनों देशों ने जो अपनी मैरीटाइम बाउंड्री है उसको क्लियर कर लिया। और उसके बाद से 1976 के बाद से ये मैंडेटरी हो गया कि कोई भी देश का मछुआरा बिना परमिशन के, बिना आज्ञा के दूसरे देश के मैरीटाइम बाउंड्री में एंटर नहीं कर सकता। अगर हम मैप में देखते हैं तो ये बहुत ही छोटा आइलैंड है, द्वीप है, जो दोनों देश के बीच में स्थित है। यहाँ पे स्टेट ऑफ तमिलनाडु है, साथ में जाफना है, और जो पाक स्ट्रेट है दोनों देशों को अलग करता है। साथ में आप देख सकते हो रामेश्वरम है, ये भी पास में। अगर अगर हम ये बात करें कि इस पे भारत सरकार का रुख क्या है, तो आरटीआई की जब एक आरटीआई फाइल की गई थी तो उस आरटीआई में कहा गया था कि ये इस द्वीप को लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि भारत ने कोई भी अपना क्षेत्र श्रीलंका को दिया ही नहीं था। और जो भी द्वीप से संबंधित विवाद थे 1974 के समझौते और उसके बाद के 1976 के समझौते के को कुछ समझौते में सारे विवादों को सुलझा लिया गया था। साथ में जो भी द्वीप है श्रीलंका के समुद्री सीमा में स्थित है। इन सब वजहों से ये जो विवाद है इसका कोई मतलब नहीं है, बेसिस नहीं है, ये भारत सरकार का रुख था। लेकिन अगर हम बात करें कि ये बार बार विवादों में क्यों आता है, तो लोकसभा के इलेक्शन भी होने वाला है तो एक ये भी कारण है कि ये विवादों में आ रहा है। साथ में जो भी कोस्टल स्टेट है, साउथ के जो दक्षिण के कोस्टल स्टेट है लाइक तमिलनाडु केरला, यहाँ के जो फिशरमैन होते हैं जो मछलियाँ पकड़ने जाते हैं, जो भी कोस्ट के पास जो भी मछलियाँ हैं कम 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 पड़ती जा रही हैं ओवर फिशिंग की वजह से, तो वो डीप ओशन में चले जाते हैं और कभी कभी वो मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस कर देते हैं। इस वजह से जो भी श्रीलंका नेवी है, श्रीलंका की जो भी कोस्ट गार्ड है उन्हें अरेस्ट कर लेती है और सालों सालों जेल में बंद रहते हैं। साथ में उनकी जो फिशिंग ट्रॉली है उसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है, मतलब उसको अपने पास रख लिया जाता है। इस वजह से जो है ये इशू जो है सेंटिमेंटल है और बार बार ये जो भी तमिलनाडु केरला में ये बहुत बड़े पैमाने पर उठाया जाता है।
और जो भी कोस्टल स्टेट के राजनेता हैं इस बात को बार बार उठाता है। तो चूंकि वहाँ पर लोकसभा इलेक्शन होना है, तो इस सब वजहों की वजह से ये भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल होता रहा है। ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, तथ्य थे कच्चा टीवी आइलैंड के बारे में थे। धन्यवाद।